हेलो माय सोल फैमिली कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे सुरक्षित होंगे और अपना इन इनावर्क जरूर कर रहे होंगे जहाँ पे भी होंगे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाती हूँ चाहे वो कोई भी स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन शेयर करके हो या फिर टेरो कार्ड रीडिंग के थ्रू अगर आपने मेरा ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो सो so, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का वीडियो हमारा करेंट एनर्जीज और इम्पोर्टेंट मैसेजेस जो कि हम सितंबर अक्टूबर नवंबर के बारे में बात कर रहे हैं इसमें हमने ऑलरेडी पार्ट वन कवर कर लिया है पार्ट वन में हमने कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में बात करी है जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी आप उस वीडियो को देख लीजिए उस पार्ट को पहले देखिएगा बिकॉज ये कंटिन्यूएशन पार्ट है सो फर्स्ट पार्ट देखना जरूरी है ओके, okay, सो so आज के इस पार्ट में हम आगे के एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में बात करेंगे जैसे कि हमने पार्ट वन में जाना था कोई भी टाइप का एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स जब भी होता है उसका इफेक्ट हम सभी पे होता है क्योंकि माइक्रोकॉज टू तो द तो माइक्रोकॉजम हम सब कनेक्टेड हैं माइक्रोकॉजम से ओके okay. सो so, पहले पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर वन में हमने दो इवेंट डिस्कस किए थे जो कि फर्स्ट इवेंट था प्लूटो डायरेक्ट इन कैब्रिकॉन जो फर्स्ट सितंबर से लेकर के नाइनटीन नवंबर 2024 तक ये इवेंट होने वाला है या ये एनर्जी हम सभी के लिए प्रेजेंट है और ये मेजर इवेंट है ये मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है जो कि बहुत बड़ा चेंज ट्रांसफॉर्मेशन हम सभी के लिए लेके आ रहा है इसमें हमने जाना था कि कैसे ये एनर्जी प्रेजेंट है जिसमें हम डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं लेकिन इस डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरने के बाद हम एक ट्रांसफॉर्मेशन की साइकिल में uh, जा रहे हैं डेथ रिबर्थ के साइकिल से गुजरते हुए सो so, जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है आप देख सकते हैं so next, जो जो था था वो था हमारा कि सितंबर से लेके 26 2024 का event है। इस एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट में हमने जाना था कि एक एलिमेंटल चेंज हो रहा है और ट्रांजिट हो रहे हैं फॉलन रेसिस के स्पीसीज जो कि हमारी डायमेंशन वन यानी एथरिक बॉडी में प्रेजेंट है एलिमेंटल किंगडम में प्रेजेंट हैं। सो देर इज एन एलिमेंटल चेंज ओके okay. इसके साथ साथ मरकरी वर्गो लेकर के आ रहा है कम्युनिकेशन थ्रू कोऑर्डिनेशन हमारा नर्वस सिस्टम के अंदर यानी कि कोऑर्डिनेशन कितना जरूरी है हमारे नर्वस सिस्टम का सो हमने पार्ट नंबर वन में जाना था कि नर्वस सिस्टम क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है और इनमें कोऑर्डिनेशन होना कितना जरूरी है सो so, आज के इस वीडियो में जो कि पार्ट नंबर टू है हम इसके आगे बात करेंगे लेकिन उसके पहले यहाँ पे टेक इज रेजोनेटिंग अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन एंड लीव द रेस्ट सो जो भी आपके साथ रेजोनेट कर रहा है एनर्जीज इवेंट्स मैसेजेस इंफॉर्मेशन वही आपको लेना है बाकी आपको जाने देना है बिकॉज कॉन्शियसनेस लेवल पे हम सभी जो है डिफरेंट डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं सो so, जो भी इंफॉर्मेशन जो भी मैसेजेस आपकी सोल के साथ रेजोनेट करता है आपकी कॉन्शसनेस के साथ रेजोनेट करता है वही लीजिएगा बाकी जाने दीजिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी इंफॉर्मेशन सभी मैसेजेस या सभी एनर्जीज आप सभी के साथ रेजोनेट करें सो so चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पार्ट नंबर टू सो आज का पार्ट नंबर टू में पहला हमारा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है लूनर कि फुल मून इनपाइसिस था 18 सितंबर सो लूनर इक्लिप्स का जो ये टाइम पीरियड था ये हमारा वो टाइम पीरियड था जो हमारे रिप्रेस इमोशंस थे यानी कि अनप्रोसेस्ड इमोशंस जो हमारे चाइल्डहुड से रिलेटेड हैं जो हमारे इनर चाइल्ड से रिलेटेड हैं जो हमारे टीनेज uh, टाइम से रिलेटेड हैं बस इतना ही टाइम पीरियड ओके इनर चाइल्ड और टीनेज से रिलेटेड ऐसे इमोशंस ऐसे रिप्रेस इमोशंस ऐसे अनप्रोसेस्ड इमोशंस जो अभी हमारे अंदर के इनर मैस्कलाइन और इनर फेमिलाइन एनर्जीज को कंटिन्यू सेपरेट कर रहे हैं जिस इमोशन वजह से हमारे जो फॉल uh, हैं वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं वो माइंड कंट्रोल प्रोग्राम्स को रन जिनकी वजह से हम अभी भी माइंड कंट्रोल प्रोग्राम्स में रन कर रहे हैं जैसे कि विक्टम विक्टमाइजर प्रोग्राम जैसे कि फॉल्स पेरेंट प्रोग्राम जैसे कि सेक्शुअल प्रोग्राम जैसे कि आर मेडल सॉफ्टवेयर हम सभी जानते हैं उन पांच माइंड कंट्रोल प्रोग्राम्स के बारे में जिनके बारे में हमने पहले बात करी है इसके साथ साथ कुछ माइंड कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं जिनके नाम मैंने यहाँ मेंशन किए हैं सो जैसे कि डिवाइड एंड कॉन्कर विक्टर सेक्सुअल अब्यूज एंड सेक्सुअल सेक्शुअल चाइल्ड अब्यूज एंड चाइल्ड सेक्रीफाइस मिस ऑर्गिनी ग्रे एलियन टेक्नोलॉजी साइलेंट वेपन ग्लोबल ह्यूमन स्ले स्लेवरी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर माइंड कंट्रोल इम्प्लांट्स बिहेवियर प्रोफाइल होलोग्राफिक इंसर्ट्स एलियन इम्प्लांट आर्टिफिशियल मशीन यूज फॉर साइको स्परिचुअल वॉरफेयर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डि रिडायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकसमेंट एक्सटर्नल इ एल एफ सिग्नल ब्रेन रेस्पॉन्स माइंड कंट्रोल बाय इम एफ कंजप्टिव मॉडलिंग, एस पी इनि कि सप्रेसर पेरासाइट एंटिटीज, आर्मीडल सॉफ्टवेयर और इम्पोस्टर स्पिरिट्स ओके okay, सो so हम किसी भी टाइप के अगर माइंड कंट्रोल प्रोग्राम में हमें अभी भी रन किया जा रहा है उस इमोशन को सरफेस पे लाया जा रहा था इस टाइम पे और हमें बताया जा रहा था कि देखो ये वो इमोशन है ये वो रिप्रेस्ड इमोशन है ये वो अनप्रोसेस्ड इमोशन है तुम्हारे अंदर के इनर चाइल्ड का तुम्हारे बचपन का तुम्हारे टीन टाइम का जो अभी भी जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर जो है स्प्लिट हो रहा है तुम्हारे अंदर की मास्कलाइन फेमिलाइन एनर्जी स्प्लिट हो रही है ओके और जिसकी वजह से तुम अभी माइंड कंट्रोल प्रोग्राम में रन हो रहे हो

सो so बेसिकली ये था हमारा लूनर इक्लिप्स यानी कि जब भी आते हैं तब वो चेंजेस लेके आता है वो इवोल्यूशन लेकर के आता है और क्योंकि ये फुल मून था तो ये कंप्लीशन था ओके सो यानी कि यहाँ पे हमारे हम एक एंड कर रहे थे उस इमोशनल साइकिल्स को जो रन कर रही थी अपना कोर्स हमारे चाइल्डहुड से आ रही थी हमारे टीन टाइम से आ रही थी उन इमोशंस को उस रिप्रेस्ड uh, इमोशंस को या मैं अनप्रोसेस्ड इमोशंस को हमें लेट गो करना था उन इमोशंस को उन

आपको चोट लगी ओके okay, पैन में कोई चोट लगी या आपको कभी भी चोट लगी और वो चोट लगी और आपको खून निकला और आपने बस उस पर वो दवाई लग गई और आप अपने काम में लग गए आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आपको चोट लगी थी आपको आप बैठ के उसके लिए आपने वो फील नहीं किया आप, आपको टाइम नहीं निकला कि आप उसको फील कर सकें आप महसूस कर सकें उसका पट्टी कर सकें ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ जब कई बार हमारी बॉडी में कोई चीज चोट लग जाती है और हमें टाइम नहीं होता कि हम उसको बैठ करके देखें कि अच्छा हमारे यहाँ दर्द हो रहा है अच्छा हमारे यहाँ लग गए हम चलते रहते चलते रहते वो है हमारा रिप्रेस्ड इमोशन अनप्रोसेस्ड इमोशन यानी कि कैसा इमोशन जिसको हमने प्रोसेस नहीं किया बल्कि अवॉइड किया इग्नोर किया उस फीलिंग्स को उन इमोशंस को ब्लॉक किया विद द टाइम ये जो इमोशंस हैं ये हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं और मैनोफेस्ट होते हैं फिजिकल या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में ओके okay? ये वो टाइम था जब हम उस अनप्रोसेस्ड इमोशन को अभी फील कर रहे थे और हमें अभी वो फील करके उसको अभी हमें रिलीज करना था ओके okay? ये वो टाइम था जब यूनिवर्स बेसिकली हमें एक कॉस्मिक हैंड दे रहा था कॉस्मिक हेल्पिंग हैंड की तरह कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ ये लून एक हमारी मदद कर रहा था कि हमें वो वहां पर लेके जा रहा था उस डायरेक्शन में बेसिकली एक्लिप्स तब एक्लिप्स जब भी आते हैं तब हमें जो हमारा कॉस्मिक प्लान है जो हमारा डिवाइन प्लान है उस रस्ते पर वो लेकर के आते हैं ओके okay, सो so भले ही अगर हो सकता था कि हम आर्टिफिशियल टाइमलाइन में रन कर रहे थे या हम माइंड कंट्रोल प्रोग्राम्स में अभी भी रन हो रहे थे लेकिन जब भी एक आ रहा है तब तब समझ लीजिए कि हमें जो डिवाइन है वो एक हेल्प करते हैं इस समय पर हेल्पिंग हैंड के तरीके से और हमें वहीं रख दिया जाता है जहां हम बिलोंग करते हैं जहां हमें होना चाहिए हम वहीं पे इस टाइम पे पहुंच जाते हैं ओके okay, डिवाइन प्लान के हिसाब से सो so ये हमें ट्रस्ट करना था डायरेक्शन उस डायरेक्शन को और हमें गाइड कर रहा था बिकॉज इक्लिप्स उस इवेंट की तरफ जो एक्चुअली हमारे ये वो इवेंट्स हो रहे थे हमारी लाइफ में जो कि एक्चुअली हमारा कॉस्मिक प्लान था जो हमारा एक्चुअली में डिवाइन प्लान था सो so, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं पास्ट था जो पास्ट को हमें चेंज करना था जो अभी भी अनप्रोसेस्ड है जिसको हमने प्रोसेस नहीं किया और वो अब भी हमारे प्रेजेंट में रोल अपना प्ले कर रहा था और हमें उस करेंट सिचुएशन में उस अनप्रोसेस्ड इमोशन को हार मनी लेकर के आना है यानी कि हमें लेट गो करना है उस चीज को जो अभी हमारे हाईस्ट सेल्फ को नहीं सर्व कर रहा ओके okay, इसको अभी हम एक हमारे पास यहाँ पे एक चॉइस रिप्रेजेंट की गई थी इस टाइम पे, ओके हो सकता है आपके साथ अभी भी हो रहा हो अगर हो रहा है तो आपको उसको बेसिकली रिलीज करना है और इस समय पे बेसिकली हमें एक चॉइस दिया गया है कि या तो आप आ, उस विक्टम उस माइंड कंट्रोल प्रोग्राम से बेसिकली बाहर निकल सकते हो ओके okay? उस रिप्रेस इमोशन को प्रोसेस करके उसको रिलीज करके उसको आइडेंटिफाई करके जीरो पॉइंट में जाकर ऑब्जर्व पॉइंट में जाकर के या फिर आप अपनी चॉइस कर सकते हो आप उन्हीं साइकल्स में स्टक रह सकते हो सो so अगेन हमारा ही चॉइस है कि हमें क्या चूज करना है ओके okay? सो so ये था हमारा अनप्रोसेस्ड इमोशन ओके सो so, हमें एक्शंस लेने थे ये एक्शंस हमें ही लेने बिकॉज हमारी सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि हम अपने आप को आज़ाद करा पाए ओके okay? उन बॉन्डेजेस से उन बंधनों से जो कंटिन्यू हम कैरी कर रहे हैं उस पेन की वजह से जो हमने पेन फील किया इनर चाइल्ड मतलब बचपन में चाइल्डहुड में टीन में उसकी वजह से हम उन अभी भी उन चीज़ों को बॉन्डेज मतलब उन चीज़ों में हम अभी भी बंधे हुए और हमारी सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें अपने आप को आजादी दिलानी है ओके हमें अपने आप को फ्री करना है और एक्शंस लेने पड़ेंगे उसके लिए ओके सो उसके लिए एक्शंस लेने हैं और वहीं आता है हमारा नेक्स्ट इवेंट जो था हमारा श्राद्ध ओके पितृपक्ष एंसेस्टर्स का ओके जो शुरू हो रहा था 18th सितंबर से लेके 2nd अक्टूबर 2024 में ओके फोर तक था सो so बेसिकली uh, जो लूनर एक्लिप्स जिसके बारे में हमने अभी बात करी full moon in Pisces, जो 18 September को था ये वो टाइम था जब हमें समझ में आया था कि हमारे अंदर एक एक है है और यानी कि एक masculine wound है जो बचपन में हुआ, okay, uh, हमारे साथ में uh, उसकी वजह से हमारे अंदर का जो मेस्कुलाइन है वो wounded है, okay लेकिन उस मेस्कुलाइन के वेड होने की वजह से okay, हमारे अंदर फेमिनाइन रिवर्सल्स चल रहे हैं ओके okay, यानी कि हम हमें उस अपने अंदर के जो फेमिनाइन है उस रिवर्सल से हमें उनको बाहर निकालना है और रिस्टोर करना है अपने मैस्कुलाइन को अब यहाँ पे जब ये टाइम पीरियड आया था श्राद्ध का एनसिस्टर्स का वो टाइम पीरियड वो था अब यहाँ पे हम सिर्फ अपने ही अंदर के मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ हमारे एनसिस्टर्स भी जुड़ जाते हैं सो so, यहाँ पे जो एनसिस्टर्स जो कनेक्टेड हो रहे थे ये हमारे आ, जो हमारे पेटर्नल और मेटर्नल जनरेशन एंसिस्टर्स हैं हमारे जो अर्थ पे एंसिस्टर्स हैं उनकी बात हो रही थी बट इसके साथ साथ हमारे उन एंसिस्टर्स की बात हो रही थी जिन्हें हम गार्जियन एंसिस्टर्स बोलते हैं जो सोलर लोगोस में प्रेजेंट है यानी कि डायमेंशन टेन इलेवन ट्वेल्व के जो हमारे एनसिस्टर्स हैं जो हाई डायमेंशन पे हमारे एनसिस्टर्स हैं उन एनसिस्टर्स की भी बात हो रही थी ओके okay. सो so, जब ये एन श्राद्ध आया उस समय पे हमें रिस्टोर करना था सोलर लोगोस को सोलर लोगोस का मतलब है बेसिकली टेन इलेवन ट्वेल्व ओके okay. उन्हें हम आ, आ, सोलर लोगोस बोलते हैं इसके साथ साथ हम हील करने वाले थे मैस्कुलाइन वूंड तो मैस्कोलाइन वूंड क्या है सो so बेसिकली जो हमारे लायरन एलोहिम वॉर्स हुए थे उस समय पे स्प्लिट हुआ था एंटी पार्टिकल सन जो कि फैंटम मैट्रिक्स में चला गया था यानी कि जबकि जब फैंटम मैट्रिक्स क्रिएट हुआ तब हमारा जो एंटी पार्टिकल यूनिवर्स का जो सन है वो भी फैंटम मैट्रिक्स में चला गया था सो so ये था हमारा मैस्कुलाइन वूंड जिसको हमें हील करना था हमारा जो यूनिवर्स है जो कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल यूनिवर्स है इसमें दो वो सन है एक पार्टिकल यूनिवर्स में और एक एंटी पार्टिकल यूनिवर्स में सो so, हमारा जो पार्टिकल यूनिवर्स है ये जो है है फेमिनाइन प्रिंसिपल और जो एंटी पार्टिकल यूनिवर्स है वो प्रिंसिपल है अब इसके आगे जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा कॉस्मिक डिवाइन प्लान स्टार्टेड यानी कि यहां से हम डिवाइन हमारा जो भी डिवाइन प्लान था जो भी हमारा कॉस्मिक डिवाइन प्लान था वो हमारा शुरू होता है यानी हम सभी अलाइंट होते हैं हमारी ऑरिजिनल डिवाइन प्लान के साथ में हमारी ऑरिजिनल डिवाइन टाइमिंग में नेक्स्ट हमारा फेमिली नाइन रिवर्सल्स सो बेसिकली हमें यहाँ पे करेक्ट करने थे वेव इंफ्लुएंसेस यानी कि बाय वेव से ट्राई वेव में जाना था वैसे का पाइसी से ट्रिनिटी फॉर्म में जाना था वैसिका पाइसी से ट्रिनिटी फॉर्म यानी कि ये जो पूरा एक वीडियो है जो हमने पहले भी बनाया है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को आप देख सकते हैं जिसमें हमने डिटेल में बात करी थी कि वैसेका पाइसी क्या है बाय वेव किसे कहते हैं और ट्राईवे का किसे कहते हैं सो so, वैसिक का का मतलब है बाय बाय वेव वेव इन्फ्लुएंस यानी कॉन्शियसनेस का मतलब है है फेमिनाइन प्रिंसिपल वो रिवर्स चल रहा है यानी कि हमें होना तो डिवाइन फेमिनाइन फॉर्म में चाहिए हमें होना तो दुर्गा वाले फॉर्म में होना चाहिए ओके लेकिन हम हैं डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन फॉर्म में हम लूना फेमिनाइन में हम काली माता वाले फॉर्म में चले जाते हैं और हमारे माइंड कंट्रोल किया जाता है सो यहाँ पे हम इनर मैस्कलाइन और इनर फेमिनाइन एनर्जीज की बात कर रहे हैं So, यहाँ पे जो इनर है वो रिवर्सल में से और हम वेव कॉन्शियसनेस में चलना शुरू करते हैं हमारा जो अंदर ये जो रिवर्सल्स है और ये जो बेसिकली मैस्कलाइन बूंद और फेमिनाइन रिवर्सल्स है इसी को हमें यहाँ पे हील करना था सो so, जो मेस्कुलाइन बूंद और फेमिनाइन रिवर्सल है वो क्या कर रहा है हमें बार बार हमारे फोर्थ डायमेंशन और, और सेकेंड डायमेंशन को स्प्लिट कर रहा है यानी टू डी फोर डी स्प्लिट कर रहा है हमारे हमें मेटाट्रॉनिक कोड में लेके जा रहा है बाइवेव इन्फ्लुएंसेस यानी कि वैसे का पाइसिस में लेके जा रहा है यानी कि सेक्सुअल और हार्ट इसको सेपरेट कर रहा है स्केरल चक्र हार्ट चक्र को सेपरेट कर रहा है तो हम लव नहीं फील कर पाते हार्ट में हम लव फील करते हैं और राइट और हम डिजायर्स अटैचमेंट सेक्शुअल एनर्जीज में फंस जाते हैं हमारे अंदर शेडो सेल्स जो हैं वो जनरेट होती हैं एलिमेंटल फ्रेगमेंट्स होते हैं हमारी पर्सनैलिटी मैट्रिक्स फ्रेगमेंट होती है और सोल मैट्रिक्स भी फ्रेगमेंट होती है इमोशनल okay? कन्फ्यूजन होता, होता है और मेंटली हम डिस्टर्ब होते हैं ओके okay? जो कंटिन्यू फ्रेगमेंट करता रहता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस को मल्टीपल डायमेंशन में मल्टीपल बॉडीज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी फर्स्ट थ्री डायमेंशन की बॉडी और आपको यही इफेक्ट हो रहा है ऐसा नहीं है ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड तो आपके मल्टीपल डायमेंशन पे आपकी कॉन्शियसनेस को आपकी बॉडी को ये फ्रेगमेंट कर, कर रहा होता है जिसका रिजल्ट निकलता है हमारा मोनाडिक रिवर्सल्स, ओके सो so, अगर हमारा ब्रेन uh, अगर हमारा ब्लड अगर हमारा नर्वस सिस्टम ये ब्लॉक्ड है या डैमेज है तो हम उस लैंग्वेज को हम उस ट्रांसलेट uh, नहीं कर पाएंगे हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अपने हायर सेंसरी परसेप्शन से हम बिल्ड नहीं कर पाएंगे मल्टी डायमेंशनल बॉडीज़ को और हम रिसीव नहीं कर पाएंगे विजडम को जो हमारी कॉस्मिक मदर या हमारी हायर सेल्फ हमें देना चाहती है हमारी हायर बॉडीज हमें देना चाहती है ओके okay? इसी लिए इस समय पर हमें रिस्टोर करना था हमारे सोलर लोगोस को हमें हील करना था माइस्कोलाड को ओके okay? हमें हील करना था एन को ओके okay? अब यहां पे एक और एन थे उस समय मुझे राम जी बहुत ज्यादा दिख रहे थे बहुत ज्यादा राम जी दिख रहे थे और वहां पर समझ में आया क्योंकि एक रिप्रेस इमोशन जो मेरे अंदर था एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं जो सरफेस पर आया जो था फिक्सर कर, फिक्सर का रोल प्ले करना यानी कि हर चीज मुझे फिक्स करनी है ओके okay? ये पैटर्न आया मेरे बचपन से जहां मेरे मदर फादर क्योंकि डिस्फंक्शन फैमिली थी तो मदर फादर के बीच में जब सेपरेशन हो रहा था तो मैं उस उस चीज को ठीक करना चाहती थी उस सिचुएशन को ठीक करना चाहती थी

ये फिक्सर वाला पैटर्न है और मुझे यह फिक्स करना है क्यों फिक्स करना है क्यों चीजें ठीक करनी है जब तो ये चीज मेरे ऊपर सरफेस पे आई और यहाँ पे मुझे समझ में आया जिसकी वजह से मैं अभी भी विक्टम प्रोग्राम में रन हो रही हूँ जिसकी वजह से मेरे अंदर की बॉडी के अंदर से क्रिस्टल को कलेक्ट किया जा रहा है क्यों? और पुल किया जा रहा है मुझे मेटाट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में मेरे अंदर के ही और फेमिल को सेपरेट किया जा रहा है मैं ट्राई वेव की जगह वेव में रन कर रही हूँ ओके वैसे कपाइसी में जा रही हूँ मेरी ही बॉडी से लाइट बॉडी को अलाइन किया जा रहा है बेसिकली आर्टिफिशियल में और आर्टिफिशल टाइमलाइंस को रन किया जा रहा है ओके सो यहाँ पे जो है इसको मुझे ठीक करना था और एक रीजन था ये तो मेरा इंडिविजुअल हो गया कि मुझे फिक्स क्यों करना है और यहां मुझे सीखना है कि मैं हर चीज को फिक्स नहीं कर सकती और यहाँ थे हमारे सोलर लोगोस का रोल प्ले करते हैं हम यहाँ जाते हैं हमारे एनसिस्टर्स जो हमारे गार्जियन एनसिस्टर्स थे उनका भी रोल था तो बेसिकली मुझे राम जी क्यों दिख रहे थे तो so, राम जी जो हैं बेसिकली एजो राइट्स हैं तो या मैं बोलूँ कि यूनिवर्सल टीम है हमारी यूनिवर्सल सिक्योरिटी टीम है जिन्हें क्रिएट किया गया था हम रामा रेसिस तो हैं ही ट्राइप सिक्स लेकिन इसके साथ साथ रामा रामायान हमारा आ, फर्स्ट लेवल है ट्राइडिक लेवल जिन्हें क्रिएट किया गया था और मतलब जिन्होंने बेसिकली एजोराइट्स को क्रिएट किया था और वो थे यूनिवर्सल फिक्सर्स उनका काम था यूनिवर्सल में कहीं भी कुछ भी चीज अगर खराब हो गई है तो उसे फिक्स करना ओके चीजें जो खराब हो रही उनको फिक्स करने का काम जो है एजोराइट्स का था वो यूनिवर्सल फिक्सर्स थे ओके okay. और वो फिक्स करने के लिए आए बार बार उन्होंने वो फिक्स करने के लिए गए कभी गाया में गए कभी फैंटम मैट्रिक्स में गए ओके okay? कभी अर्थ पे गए वो अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग जगह अलग अलग टाइमलाइन पे वो गए बार बार चीजों को फिक्स करने के लिए क्यों गए क्योंकि वो अनकंडीशनली वो रेस से प्यार करते थे वो प्लैनेट से प्यार करते थे उनके अंदर अनकंडीशनल लव था लेकिन एक टाइम के बाद उन्हें समझ में मतलब ये एक लेसन था जो उन्हें समझना था कि भले हम अनकंडीशनल लव होल्ड करते हैं बट कभी कभी हमें सिचुएशन को लोगों को हम उसे फिक्स नहीं कर सकते वो सिचुएशंस वो लोग वो रिलेशनशिप्स जैसे हैं हमें उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना होता है सो यहाँ एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी था उनके लिए जो कि उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया अपनी पिछले कुछ टाइम में और वो फिक्स करते रहे करते रहे करते रहे और जिसकी वजह से वो फैंटमेटिक्स में भी स्टक हो गए ओके okay? और और एजोराइड्स का डीएनए को ही निकाल के यानी एजोराइट्स को ही मार के एक नई रेस बनाई गई एजारल जो कि फ़ॉलन रेसेस की है यानी कि फॉलन रेसिस ने एजोराइड्स को मार दिया फेंटा में जब उनकी हेल्प करने के लिए गए थे गाया में भी और इसके साथ साथ एजोराइट्स का एक काम था कि जो लैरन एलोहम वॉर हुआ था इसके बाद जो भी आ, उसको ठीक करने का काम था स्टारगेट नंबर ट्वेल्व को ठीक करने का काम था टारगेट्स को प्रोटेक्ट करने का काम था तो ये सारा काम जो है वो बेसिकली एजोराइट्स uh, का था सो so, वो जो सेपरेशन था मैस्कलाइन और फेमिनाइन का ओके okay, वो बहुत ही डीप रूटेड एजोराइट्स में अंदर इनबिल्ड है ओके okay, इनबिल्ड था और वो चीज़ इस समय पे सरफेस पे आ रही थी सोलर लोगोस को रिस्टोर करते वक्त कि क्या चीज़ है जो मैस्कुलाइन फेमिनाइन सेपरेशन हुआ यानी कि कैसे फैंटामेट्रिक्स में हमारा जो एंटी पार्टिकल यूनिवर्स का सन है वो कैसे फैंटामेट्रिक्स में चला गया सो so, इस समय पर जो एनर्जी मुझे फ़ील हो रही थी वो मैस्कुलाइन प्रिंसिपल के थ्रू फ़ील कराई जा रही थी कि मैस्कुला ने क्या फ़ील किया ओके okay. जब वो सेपरेशन हुआ तो उस मेस्कुलाइन ने क्या फ़ील किया सो so, ये जो मेस्कुलाइन का जो फील था जैसे सीता जी का जब किडनैप कर लिया था रावण ने अडक कर लिया था उस समय पे राम जी ने क्या फ़ील किया ओके okay. सो so, इसी तरीके से जब फैंटा मैट्रिक्स बना उस समय पे जो स्टारगेट वेल्थ डिस्ट्रॉय हुआ सो so, जो एंटी पार्टिकल यूनिवर्स का सन है वो जब मैट्रिक्स में जा के स्टक हो गया तब उस समय पर जो पार्टिकल यूनिवर्स है यहाँ का तो सन ठीक है लेकिन एंटी पार्टिकल यूनिवर्स का सन जो कि फ़ैटा मैट्रिक्स में था उसने क्या फ़ील किया जो मैस्कुलिन प्रिंसिपल था उसने क्या फ़ील किया ये हम सभी के अंदर डीप रूटेड जो है वो अनकॉन्शियस माइंड में बेसिकली ट्रॉमा सेव है ओके सो so, ये चीज़ जो थी जब कहीं भी हमारे होलोग्राम में सिमिलर चीज़ जो है वो हो रही होती है जैसे कि मेरे केस में, में आ, सेम एग्ज़ाम्पल हो रहा था कि मैस्कुलिन फेमिलाइन सेपरेशन हो रहे हैं यानी मेरे मदर फादर जो हैं वो सेपरेट हो रहे हैं तब तो मुझे उन्हें ठीक करना है मुझे उनको एक जगह लेकर के आना है सेम उसी तरीके से एजोराइट्स भी जो थे उनके लिए जो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल यूनिवर्स है ये उनके मदर फादर है तो जब ये सेपरेट हो रहे हैं उनको वो ठीक करना था फिक्स करना था तो ये चीज़ सरफेस पे आ रही थी हो सकता है सभी के लिए अलग अलग चीज़ सरफेस पे आ रही हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके उस समय पर क्या चीज़ सरफेस पर आ रही थी या कौन सा इमोशन था ऐसा कौन सा रिप्रेसड इमोशन था जो कि सरफेस पर आ रहा था जिसको आपको हील करना था उस रिप्रेसड इमोशन को जिसकी वजह से बेसिकली हमें माइंड कंट्रोल प्रोग्राम में कंटिन्यू रन किया जा रहा था सो so, आपको देखना है कि आपका रिप्रेस इमोशन कौन सा है यानी अनप्रोसेस्ड इमोशन कौन सा है आपके चाइल्डहुड से आपके एडोल्सन से जो स्प्लिट कर रहा है आपके अंदर के इनर मास्क्राइन और इनर फेमिनाइन एनर्जीज़ को ऐसा कौन सा इमोशन है जिसकी वजह से आज भी आप माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ में रन हो रहे हैं आपको कंट्रोल किया जा रहा है माइंड को आपके माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है फॉरन रेसेस के द्वारा थ्रू माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजीज और ऐसा कौन सा मास्क्राइन वो

सो so, अब हम जानते हैं कि इसको हम हील कैसे करें अगर किसी को एनसिसटर हीलिंग की हीलिंग अगर हमें एनसिस्टर हीलिंग करनी है सो so हम कैसे एनसिस्टर हीलिंग कर सकते हैं सो so, सबसे पहले तो एक लेटर था जो मैंने लिखा था उस लेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी एक हमने पहले वीडियो बनाया था जिसमें हमने जाना था कि हम कैसे एक इंटेंशन सेट करके जिस भी भगवान को आप मानते हैं जिस भी नाम में जिस भी फॉर्म में उनको एक लेटर लिखना है ओके okay, कि आप इंटेंशन सेट कर रहे हैं और कैसे आप अपने एंसेस्टर हीलिंग को कंप्लीट कर रहे हैं आप उस लेटर को लिख सकते हैं इसके साथ साथ आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं एंड हीलिंग के ऊपर पूरा गाइडेड मेडिटेशन जो है जो काना कॉलिंग चैनल है जो ट्विन फ्लेम मेरा चैनल उनका चैनल है उन्होंने बनाया है तो आप उस गाइडेड मेडिटेशन को सुन सकते हैं इसके अलावा आप एक वीडियो है मैं उसका लिंक भी ऐड कर दूंगी जहां पे आ, आप एक इंटेंशन सेट कर सकते हैं कि आप अपने अंदर जो कॉस्मिक मदर हैं और कॉस्मिक फादर हैं वो यूनाइटेड हैं और वो वन है आपके अंदर जो है पार्टिकल यूनिवर्स एंटी पार्टिकल यूनिवर्स आप उनको आ, वन मतलब उनको यूनियन कर रहे हैं आप उनको मर्ज कर रहे है आपके अंदर जो बेस टोन्स है वो मर्ज हो रहे हैं ओवर टोन्स से यानी मैग्नेटिक प्रिंसिपल इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल ये दोनों एक दूसरे से मर्ज होकर के वन हो रहे हैं जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के डाला था ओके okay. इसके अलावा जो है आप आ, कुछ अफॉर्मेशंस हैं आप उन अफॉर्मेशंस को यूज़ कर सकते हैं राम जी का बीज मंत्र है बिकॉज मैंने वो बीज मंत्र शुरू किया था और मुझे इफेक्ट किया उस बीज मंत्र ने ओके okay. सो आप उस बीज मंत्र को भी यूज कर सकते हैं अगर आपको र, लगता है आपकी सोल कॉलिंग होती है तो और अगर आपको कुछ और और भी बहुत सारे तरीके हैं अगर आपको कुछ और चीज़ लगती है कि आप इसके थ्रू कर सकते हैं तो आप वो भी आप फॉलो कर सकते हैं ओके मेन इंटेंशन है हमारा उस एनर्जी को रिलीज करना जिस एनर्जी की वजह से हम इन साइकिल्स में अभी भी फंसे हुए हैं सो so, मैं वो बता रही हूँ जो मैंने उस टाइम फ्रेम पे किया था जिसने मुझे फिक किया था सो so, सबसे पहले जो बीज मंत्र है जो राम जी का है वो है ओम राम रामाय रामायम ओम राम रामाय रामायम ओम राम रामाय रामायम ओम राम रामाय राम इस तरीके से आपको इस बीज मंत्र को यूज कर आप यूज कर सकते हैं वन टाइम्स ओके सो जैसे जो माला जाप करते हैं या आप उसको काउंट करके भी कर सकते हैं वो एक नहीं है वो वन है वो वन नहीं है वो वन है और वन क्यों

ओके okay. इसके साथ साथ आप जो है एक इंटेंशन सेट करके जैसे हम लेटर लिखते हैं हर बार उस लेटर को लिख सकते हैं और कुछ अफॉर्मेशन दे सकते हैं सो so, इंटेंशन सेट करना है कि आप इस अफॉर्मेशन uh, से आप अपने एंसेस्टर्स को हील कर रहे हैं आप अपने अंदर के इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं आपके और मेटर्नल एनसिस्टर्स के साथ साथ जो हमारे गार्जियन एनसिस्टर्स हैं ओके okay, उनको भी आप हील कर रहे हैं जो भी आपके सरफेस पे आ रहे होंगे उस समय पे सो so, पहला अफॉर्मेशन है इंटेंशन सेट करने के बाद आपको लिखना है हीलिंग माय एंडसिस्टर लिनिएज बोथ मेटर्नल एंड पेटर्नल फ्रॉम लास्ट ट्वेल्व जनरेशन एंड क्रिएटिंग अन ए ब्लू प्रिंट फॉर द नेक्स्ट ट्वेल्व जनरेशन बोथ मेटर्नल एंड पेटर्नल यानी कि मैं हील कर रही हूँ अपने एंडसिस्टर लिनिएज को मम्मी के साइड और पापा के साइड पिछले बारह जनरेशन से और क्रिएट कर रही हूं नया डी एन ए ब्लू प्रिंट नेक्स्ट बारह जनरेशन के लिए जो मम्मी और पापा दोनों की साइड के जो तो दोनों के लिए ओके नेक्स्ट है एक्टिवेटिंग माई अवतार आइडेंटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस कंप्लीटली

सारी आइडेंटिटी सारा डीएनए, सारी कॉन्शियसनेस, सारी चेतना वो किसी भी टाइमलाइन में है किसी भी डायमेंशन में है कहीं भी है अगर यूनिवर्स में पास्ट में प्रेजेंट में फ्यूचर में मैं उनको इंटीग्रेट करती हूँ मैं उनको जोड़ता हूँ और मैं उनको वापस बुलाती हूँ या मैं उनको वापस बुलाता हूँ और मैं वन होता हूँ उन सभी के साथ ओके okay. तीसरा है एक्टिवेटिंग ऑल ऑफ माइ ट्वेल्व स्टैंड ऑफ डीएनए नाउ एंड कंप्लीटली सो मैं अपने पूरे बारह स्टैंड ऑफ डीएनए को एक्टिवेट कर रही हूँ भी और पूरी तरीके से ओके स्टार्टिंग नेक्स्ट है स्टार्टिंग अ न्यू बिगनिंग ऑफ माई सोल जर्नी यानी कि मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ अपनी सोल जर्नी की या मैं नई शुरुआत कर रहा हूँ न्यू बिगनिंग कर रहा हूँ अपनी सोल जर्नी की नेक्स्ट है रिलीजिंग ऑल एंगर फ्रॉम माई बॉडीज डीएनए टाइम लाइन एंड ट्रांसम्यूटिंग इन टू रेमबो फ्रिक्वेंसीज ऑफ अनकंडीशनल लव लाइट साउंड शेयरिंग एंड सेंडिंग इन टू मदर अर्थ सो इसका मतलब यह है कि आप रिलीज कर रहे हो जो भी आपकी इमोशन उस समय पर सरफेस पे आ रहे होंगे आपको जो आपको लगता है कि आपको इस इमोशन पे काम करना चाहिए उस इमोशन को आपको रिलीज करना है सो so, मैंने जैसे यहाँ पे एंगर लिखा है यहाँ पे आप उस इमोशन को आपको उस इमोशन को लिखना है जो इमोशन आपको रिलीज करने की जरूरत है ओके okay? सो so, जैसे कि जहाँ मैं, मैंने लिखा है एंगर सो मैं यहाँ बोल रही हूँ कि मैं एंगर को रिलीज कर रही हूँ मेरे बॉडीज में से मेरे सभी बॉडीज में से डीएनए में से टाइमलाइंस में से और मैं उसको ट्रांसम्यूट कर रही हूँ यानी कि बदल रही हूँ रेनबो फ्रिक्वेंसीज में जो कि अनकंडीशनल लव लाइट साउंड और उसकी है और उसे मैं शेयर कर रही हूँ भेज रही हूँ मदर अर्थ में ओके okay? क्योंकि एक चीज समझना है एक बार कोई एनर्जी अगर क्रिएट हो गई तो उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता उसको हम उसके शेप्स को हम चेंज कर सकते हैं हम उसे बदल सकते हैं ट्रांसम्यूट कर सकते हैं लेकिन एनर्जी कैन नाइदर वंस क्रिएटेड सो इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय सो एक बार एक अगर वो क्रिएटेड हो जाती बन जाती है तो उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं किया कर सकते ओके नेक्स्ट okay? है हमारा इंटीग्रेटिंग माई शेडो बॉडी एनी फॉर्म ऑफ ईगो बाय एक्सेप्टिंग इट कंप्लीटली यू आर हर्ड एंड यू आर वन एंड यू आर पार्ट ऑफ माई ओन आइडेंटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस सो देर इज नो इंटर्न फ्रिक्शन आउटसाइड फाइटिंग विद माय ओन सेल्फ और विद एनीवन. सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ आप बात कर रहे हो बेसिकली अपनी शेडो बॉडी से अपने से, okay? ego, ego जो है, या शेडो बॉडी जो है उन्हें कंटिन्यू सरवाइवल का बेसिकली uh, उन्हें डर लगा रहता है कि उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा उन्हें लगता है कि वो अलग है ओके okay? और उन्हें कोई सुनेगा नहीं so, उन्हें बेसिकली आपको इंटीग्रेट करना है अपने अंदर तो आप यहां पर लिख रहे हो कि मैं जोड़ रही हूँ मैं जोड़ रहा हूं मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं मेरी शेडो बॉडी को या मैं किसी भी टाइप का मेरा ईगो का जो फॉर्म है और उसको कैसे आप जोड़ रहे हो उसे एक्सेप्ट करके पूरी तरीके से ओके और आपको उससे बात करनी है कि यू आर हर्ड यानी कि मैं तुम्हें तुम मैं तुम्हें सुन सुन चुका हूं मैं तुम्हें सुन सकता हूं मैं तुम्हें सुन रहा हूं ओके मैं तुम्हें सुन रही हूँ और तुम एक हो ओके हम एक हैं तुम तो मेरी ही आइडेंटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस का एक पार्ट हो कोई भी इंटरनल फ्रिक्शन हमारे बीच हमारे अंदर है ही नहीं मैं और तुम अलग है ही नहीं हम एक ही हैं सो कोई फ्रिक्शन ही नहीं है और ना ही हम हमें किसी और से बाहर लड़ना है क्योंकि मैं अपने आप से या किसी और से हम सब लड़ ही नहीं सकते क्योंकि हम सब एक हैं ओके okay? सो so, हमारी कोई भी इंटरनल या आउटसाइड फाइटिंग नहीं है ना ही इंटरनल फ्रिक्शन है ना आउटसाइड फाइटिंग है ओके okay? ना अपने आप से ना किसी और से नेक्स्ट है हमारा आई हील्ड माय इनर चाइल्ड कम्प्लीटली यानी कि मैं अपने इनर चाइल्ड को कम्प्लीटली ही हूँ कर रहा हूँ सो ये आप यूज कर सकते हैं और इसके अलावा आप कुछ भी और अगर आप आपको लगता है तो आप उसके थ्रू भी आप इनको हील कर सकते हैं बट ये इमोशंस को रिलीज करना जरूरी है ओके सो आई होप ये मैसेजेस uh, आपको हेल्प करेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के इवेंट्स को जानेंगे सो सेटिंग यू लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ लव हीलिंग एंड हैप्पी एनर्जीज टू ऑल माई सोल फैमिली जो मेरा वीडियो देख रहे हैं टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू ऑल सोन